हे गाइस, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुली हो जाए तो उसके लिए सही टाइम पर रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप जानते हैं वो सही टाइम कौन सा है? अगर नहीं तो आज मैं आपको एक ऐसा सटीक कैलकुलेशन बताऊंगी जिससे आप अपना ओवुलेशन डेट ट्रैक कर पाएंगे और सही दिन का यूज़ कर पाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस मेथड को अच्छे से समझेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप 2 से 3 महीने में 100% कंसीव कर जाएंगे। बस शर्तें हैं कि आपको कोई भी फर्टिलिटी इशू ना हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए और अपने उस परफेक्ट डे को जानिए कि वो कौन सा है। तो गाइस, यहाँ हम बात कर रहे हैं ओवुलेशन की। प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए ओवुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी दिन आपका एग मैच्योर होकर ओवरी से रिलीज होता है और स्पर्म के साथ मिलकर फर्टाइल होने के लिए रेडी रहता है। और ध्यान रखें कि एग की लाइफ सिर्फ 24 घंटे की होती है। तो अब समझते हैं ओवुलेशन को ट्रैक कैसे करना है। तो मान लीजिए आपका पीरियड 1 फरवरी को आया है और अब नेक्स्ट पीरियड 1 मार्च को आने वाला है, ठीक है? तो आपकी जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो कितने दिन की हो गई? 28 दिन की। तो अभी आपको 28 में से माइनस 14 करना है। 28 माइनस 14 करेंगे तो आपका 14th of February को आपका जो है ओवुलेशन डे आ जाएगा। यही आपका वो परफेक्ट डे है, ठीक है? अगर आपकी साइकिल लेंथ हो सकता है 26 दिन की हो या फिर 30 दिन की हो, तभी भी आपको माइनस 14 ही करना है, तब आपकी वो ओवुलेशन डेट निकल कर आ जाएगी, जिस दिन आपका हाई चांस रहता है कंसीव करने का। इसी दिन एग रिलीज होता है और रप्चर होता है। तो ये तो आपको एक डेट पता चल गई, राइट? पर कभी कभी हो सकता है 14th डे के बदले एग 13th या फिर 15th डे को रिलीज हो। तो इसके लिए आपको आपकी पीरियड की 9th या 10th डे से ऑल्टरनेट डेज पे ट्राई करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि स्पर्म एक बार बॉडी के अंदर जाने के बाद 4 से 5 दिन जिंदा रहते हैं और एग की लाइफ सिर्फ 24 घंटे की होती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म पहले से ही रहेंगे तो आपका कंसीव करने का चांस ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा। इसके लिए आप अपने 10th डे से 16th डे तक अल्टरनेट डेज पे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो होप अब आपको ओवुलेशन कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।